एक अमेरिकन ने मुझसे कहा, दुबे जी अगर आपका भारत महान है तो बताइए संसार के इतने सारे आविष्कारों में तुम्हारे देश का क्या योगदान है। मैंने कहा, रे अमेरिकन सुन, संसार की पहली फायर प्रूफ लेडी इंडिया में पैदा हुई थी, नाम था होली। पट्टे आज तक उसका डुप्लीकेट तक नहीं बना पाए। और हमारे से पटपट कर रहे हैं। मैंने कहा, रहा अमेरिकन संसार की पहली फायर प्रूफ लेडी इंडिया में पैदा हुई थी, नाम था होलिका, आग में जलती ही नहीं थी, इसलिए उस जमाने में फायर ब्रिगेड चलती ही नहीं थी। ये तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र किया, इसलिए भगवान ने उसकी बॉडी में शॉर्ट सर्किट कर दिया। भगवान की तरकीब चल गई और होलिका चल गई। संसार की पहली वाटरप्रूफ बिल्डिंग इंडिया में बनी थी, भारत का दूसरा आविष्कार आपका प्यार चाहिए। संसार की पहली वाटरप्रूफ बिल्डिंग इंडिया में बनी थी, जो समुद्र के पैंदे में विष्णु भगवान का सरकारी रेजिडेंस थी। बिल्डिंग का नाम था शेषनाग। शेषनाग समुद्र में चले गए, विशेषनाग धरती पर ही रहे। संसार के पहले पत्रकार नारद जी हुए। उस जमाने में इंटरनेट का संचालन नारद जी करते थे। सारे देवी देवताओं के ईमेल एड्रेस थे भाई के पास। विष्णु जी को सूचना करनी होती तो फट ईमेल कर देते, भगवान विष्णु @narayan.com। मैंने कहा, रहा अमेरिकन संसार के पहले पत्रकार नारद जी हुए, किसी भी सत्ता और व्यवस्था से नहीं डरते थे, तीनों लोकों की सनसनीखेज रिपोर्टिंग करते थे। सृष्टि के पहले कमेंटेटर संजय हुए, जिन्होंने नया इतिहास बनाया। महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल अंधे धृतराष्ट्र को रेडियो पर उन्होंने ही सुनाया। जहां तक दादागिरी का सवाल है, इसका आविष्कार भी इंडिया ने किया, क्योंकि शताब्दियों पूर्व भारत के शनिचर भगवान ने तीनों लोकों में इतना आतंक मचाया कि हफ्ता वसूली का रिवाज उनके चेलों ने ही चलाया। आज भी हर शनिवार को उनके भक्त आते हैं, उनका फोटो दिखाते हैं और हफ्ता ले जाते हैं, बाद में 6 दिन नहीं आते हैं। मेरी बात सुनते अमेरिकन हड़बड़ाया, गुस्से में बड़बड़ाया, बोला, दुबे जी फालतू की बातें मत बनाओ, को ठीक ठाक ढंग का आविष्कार किया हो तो बताओ। मैंने पूछा, भैया कैसा आविष्कार? वो बोला, जी ऐसा आविष्कार जैसे हमने अमेरिका में आदमी की किडनी बदल दी, हार्ट की बाईपास सर्जरी कर दी, दिमाग की न्यूरो सर्जरी कर दी। ऐसा मेडिकल साइंस या सर्जरी में भारत ने कोई आविष्कार किया हो तो बताओ, वरना हमारा दिमाग मत खाओ। मैंने कहा, रे संसार को तो सर्जरी का कॉन्सेप्ट इंडिया ने दिया था, तू ही बता गणेश जी का ऑपरेशन क्या तेरे बाप ने किया था? मेरी बात सुनते अमेरिकन हड़बड़ाया, गुस्से में बड़बड़ाया, देखते देखते वहां से चलता फिरता नजर आया। तब से अमेरिका कोई नहीं, पूरी की पूरी दुनिया को ध्यान है कि दुनिया में मुल्क चाहे जितने हो पर उन सब में मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है।